स्वागत किए जाते थोड़े अपने चैनल एग्जाम स्टडी के। मैं हाँ इंदर, अज आप गल करेंगे भारत के जिन्हें भी बस हुए हैं तो उन्होंने जोड़े संस्थापक हुए हैं उन्होंने बारे। अज आप टॉप जे 55 MCQ ने आप इस वीडियो के कवर करेंगे जेडे कि थोड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी ने, इसलिए वीडियो में शुरू तो लैके एंड तक ध्यान दे देखना जी। तो चलो वीडियो शुरू कर दें जी। प्रश्न नंबर पहला, हरियंक वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबीसार या अजा शत्रु। तो ये जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी अपने लवे वो आऊगा ऑप्शन नंबर 3, बिंबीसार। बिंबीसार सीगा जोड़ा हरियंक वंश का संस्थापक सीगा। प्रश्न नंबर 2, नंद वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, धनानंद, महापद्मनंद, अजा शत्रु या अशोक। तो ये जोड़ा राइट आंसर आऊगा अपने लवे वो आऊगा ऑप्शन नंबर 2, महापद्मनंद। ये जी जो नंद वंश का संस्थापक सीगा। प्रश्न नंबर 3, शिशु नाग वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, नागदस, नंदीवर्मन, शिशु नाग या काला शोक। तो जोड़ा शिशु नाग वंश का संस्थापक सीगा वो सीगा जी शिशु नाग। शिशु नाग सीगा जोड़ा संस्थापक सीगा शिशु नाग वंश का। प्रश्न नंबर 4, मौर्य वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। तो ये जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी वो आऊगा ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य सीगा जोड़ा मौर्य वंश का संस्थापक सीगा। प्रश्न नंबर 5, सुंग वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, वासुदेव, पुष्या मित्र सुंग, राजवर्धन या जयपाल। तो इन जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी वो आऊगा ऑप्शन नंबर 2, पुष्या मित्र सुंग। प्रश्न नंबर 6, गुप्त वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, चंद्रगुप्त पहला, चंद्रगुप्त दूजा, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त। तो जोड़ा गुप्त वंश का संस्थापक सीगा वो सीगा जी श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर 4 आगा जोड़ा अपने को राइट आजूगा जी। प्रश्न नंबर 7, पुष्या पुत्री या वर्धन वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, राजवर्धन, ग्रहवर्धन, हर्षवर्धन या पुष्या पुत्री। ये जो राइट आंसर आऊगा जी वो आऊगा ऑप्शन नंबर 4, पुष्या पुत्री। प्रश्न नंबर 8, चौल वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, विजयाले, राजा राज पहला, राजेंद्र पहला या कुलतुंग। तो ये जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी अपने लवे वो आऊगा ऑप्शन नंबर 1, विजयाले। विजयाले सीगा जोड़ा चौल वंश का संस्थापक सी। प्रश्न नंबर 9, पल्लव वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन या नंदी वर्मन। तो जोड़ा पल्लव वंश का संस्थापक सीगा जी वो सीगा सिंह विष्णु। ऑप्शन नंबर 2 अपने को राइट आजूगी। प्रश्न नंबर 10, सेन वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं, लक्ष्मण सेन, विजय सेन, सामंत सेन या इन्हों कोई नहीं। तो ये जो राइट आंसर आऊगा जी वो आऊगा अपने लवे ऑप्शन नंबर 3, सामंत सेन। सामंत सेन सीगा जोड़ा सेन वंश का संस्थापक सीगा जी। प्रश्न नंबर 11, लोहार वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, हर्ष, जय सिंह, संगमराज या इन्हों कोई नहीं। तो ये जो अपने को राइट आंसर आऊगा जी वो आऊगा ऑप्शन नंबर 3, संगमराज। संगमराज सीगा जोड़ा लोहार वंश का संस्थापक सीगा जी। प्रश्न नंबर 12, कामरूप देवर्मन वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये तुम्हें याद रखना वा जी, कामरूप देवर्मन वंश बारे गल हो रही है। तो ये चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, अविनित वर्मन, पुष वर्मन, देव वर्मन या इन्हों कोई नहीं। तो ये जो अपने को राइट आंसर आऊगा वो आऊगा ऑप्शन नंबर 2, पुष वर्मन। जोड़ा पुष वर्मन सीगा यह कामरूप दे वर्मन वंश का संस्थापक सीगा जी। प्रश्न नंबर 13, गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, महेंद्रपाल, नागभट्ट पहला, मेहरभोज या इन्हों कोई नहीं। तो अपने को राइट आंसर आऊगा जी वो आऊगा ऑप्शन नंबर 2, नागभट्ट पहला। नागभट्ट पहला सीगा जोड़ा है गुजर प्रतिहार वंश का संस्थापक सीगा जी। प्रश्न नंबर 14, चौहान वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, वासुदेव, मूलराज, कुमारपाल या इन्हों कोई नहीं। तो अपने को जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी वो आऊगा ऑप्शन नंबर 1, वासुदेव। वासुदेव सीगा जोड़ा चौहान वंश का संस्थापक सीगा जी। प्रश्न नंबर 15, परमार वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, उपेंद्र राज, राजभोज, कोकल या इन्हों कोई नहीं। तो ये जो अपने को राइट आंसर आऊगा वो आऊगा ऑप्शन नंबर 1, उपेंद्र राज।
ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16, ਚੰਦੇਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਨੁਕ, ਯਸ਼ੋਵਰਮਨ, ਵਿਦਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਨਨੁਕ। ਨਨੁਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੇਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17, ਸੋਲੰਕੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਭੀਮ ਪਹਿਲਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਕੁਮਾਰਪਾਲ ਜਾਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਮੂਲ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੰਕੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18, ਸੰਗਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰੀਹਰ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾ, ਹਰੀਅੰਕ ਦੂਜਾ, ਦੇਵਰਾਏ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਮਲਿਕ ਕਫੂਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਹਰੀਹਰ ਅਤੇ ਬੁੱਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੰਗਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19, ਬਹਮਣੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਸਨ ਗੰਗੂ, ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ, ਮਲਿਕ ਅਹਿਮਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਮਣੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਸਨ ਗੰਗੂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਜੂਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20, ਭੋਂਸਲੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੇਸ਼ਵਾ, ਬਾਜੀਰਾਓ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਰਾਜਰਾਮ ਜਾਂ ਸੰਭਾਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਸ਼ਿਵਾਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੋਸਲੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21, ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਬਰ, ਅਕਬਰ, ਹਮਾਯੂ ਜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਬਾਬਰ। ਬਾਬਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 22, ਲੋਧੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਜਾਂ ਬਾਬਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23, ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਤੁਗਲਕ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ, ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਗਿਆਸੂਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24, ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਜੀ, ਅਲਾਊਦੀਨ ਖਿਲਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਖਿਲਜੀ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਖਿਲਜੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25, ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ, ਬਲਵਨ ਜਾਂ ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਕੁਤਬਦੀਨ ਐਬਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ। ਇਸਨੇ ਗੁਲਾਮ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾ ਉਹ 1206 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26, ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਹ, ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਂ, ਆਲਮ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਂ। ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ। ਇਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਯਦ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਸੀਗੀ ਉਹ 1414 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27, ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਹੀਪਾਲ, ਗੋਪਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਜਾਂ ਦੇਵਪਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਗੋਪਾਲ। ਗੋਪਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਲ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 28, ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ, ਅਮੋਘ ਵਰਸ਼ ਜਾਂ ਧਰੁਵ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ। ਦੰਤੀ ਦੁਰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਟ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29, ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਚਾਲੂਕੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੈਲਪ ਦੂਜਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਤੈਲਪ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣੀ ਦੇ ਚਾਲੂਕੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30, ਵਾਤਾਪੀ ਦੇ ਚਾਲੂਕੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਤੈਲਪ ਦੂਜਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ,
विष्णु पहला या इन्हां विचों कोई नहीं, तो ये जिहड़ा अपने को राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर दो, जय सिंह पहला सीगा जिहड़ा ये वातापी दे चालुकिया वंश का संस्थापक सीगा। प्रश्न नंबर 31 वेंगी दे चालुकिया वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी तैलप दूजा, जय सिंह पहला, विष्णु पहला या इन्हां विचों कोई नहीं, तो जिहड़ा अपने को राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 3 विष्णु पहला। प्रश्न नंबर 32 यादव वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी मयूर समन, पल्लव पंचम, बीटा पहला या ब्रजहस्त पंचम, तो ये जो राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 2 पल्लव पंचम सीगा जिहड़ा ये यादव वंश का संस्थापक सी। प्रश्न नंबर 33 गंग वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी माधव पहला, कोंकणी वर्मन, ब्रजहस्त पहला या इन्हां विचों कोई नहीं, तो ये जिहड़ा राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रजहस्त पहला, यह सीगा जिहड़ा गंग वंश का संस्थापक। प्रश्न नंबर 34 काकतीय वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी दुर्लभ वर्धन, अविनित वर्मन, बीटा पहला या इन्हां विचों कोई नहीं, तो जिहड़ा अपने को राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 3 बीटा पहला सीगा जिहड़ा काकतीय वंश का संस्थापक सी। प्रश्न नंबर 35 पाल वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी देवपाल, महीपाल, वर्मन पाल या गोपाल, तो ये जिहड़ा राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 4 गोपाल। प्रश्न नंबर 36 चौहान वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी वासुदेव, चंद्रदेव, मूलराज या इन्हां विचों कोई नहीं, तो ये जिहड़ा अपने को राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव, वासुदेव सीगा जिहड़ा चौहान वंश का संस्थापक सीगा जी। प्रश्न नंबर 37 घड़वाल वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी वासुदेव, चंद्रदेव, मूलराज या इन्हां विचों कोई नहीं, तो ये जिहड़ा राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रदेव, चंद्रदेव सीगा जिहड़ा ये घड़वाल वंश का संस्थापक सी। प्रश्न नंबर 38 सोलंकी वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी भीम पहला, जय सिंह, कुमारपाल या मूलराज पहला, तो जो सोलंकी वंश का संस्थापक सीगा जी वह मूलराज पहला सी, ऑप्शन नंबर 4 आ गई जी अपने को राइट आजू। प्रश्न नंबर 39 कलचुरी वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी गंगे यादव, कोकल, कणदेव या इन्हां विचों कोई नहीं, तो ये जो राइट आंसर अपने को आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 2 कोकल, कोकल सीगा जिहड़ा ये कलचुरी वंश का संस्थापक सीगा जी। प्रश्न नंबर 40 खिलजी वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या इन्हां विचों कोई नहीं, तो जिहड़ा ये राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 1 जलालुद्दीन खिलजी। 1290 के जी हैगी खिलजी वंश की स्थापना हुई सी। प्रश्न नंबर 41 तुगलक वंश का संस्थापक कौन सी, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इन्हां विचों कोई नहीं, तो ये जो राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 3 गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 42 संगम वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी हरिहर दूजा, देवराय पहला, मलिका अंजुन या हरिहर अते बुक्का, तो ये जो राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 4 हरिहर अते बुक्का, दोनों भरावान ने जी है संगम वंश की स्थापना की सी। प्रश्न नंबर 43 सुलभ वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी मल्लिकार्जुन, कृष्ण देव राय, वीर नरसिंह, सुलभ नरसिंह, तो ये जो अपने को राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 4 सुलभ नरसिंह, ये जो सोलो वंश का संस्थापक सीगा। प्रश्न नंबर 44 तुलु वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी कृष्ण देव राय, वीर नरसिंह, सदाशिव या इन्हां विचों कोई नहीं, तो ये जो राइट आंसर आऊगा जी अपने लवे वह आऊगा ऑप्शन नंबर 2 वीर नरसिंह, वीर नरसिंह सीगा जिहड़ा ये तुलु वंश का संस्थापक सीगा जी। प्रश्न नंबर 45 आरविडू वंश का संस्थापक कौन सी, तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी हसन गंगू, तिरुमल, मलिक अहमद या इन्हां विचों कोई नहीं, तो जिहड़ा ये राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 2 तिरुमल, तिरुमल सीगा जिहड़ा आरविडू वंश का संस्थापक।
प्रश्न नंबर 46 बहमनी वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, हसन गंगू, तिरुमल, मलिक अहमद या इन्हों कोई नहीं। तो ये जो राइट आंसर आऊगा जी वो आऊगा ऑप्शन नंबर 1 हसन गंगू सी जरा बहमनी वंश का संस्थापक सी। प्रश्न नंबर 47 आदिल शाही वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, मलिक अहमद, इमाद शाह, आदिल शाह या इन्हों कोई नहीं। तो ये जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी वो आऊगा ऑप्शन नंबर 3 आदिल शाह जोड़ा आदिल शाही वंश का संस्थापक सगा जी। प्रश्न नंबर 48 निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, अमीर अली, मलिक सरवर, यूसुफ खान या मलिक अहमद। तो ये जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी अपने लवे वो आऊगा ऑप्शन नंबर 4 मलिक अहमद जोड़ा निजाम शाही वंश का संस्थापक। प्रश्न नंबर 49 कुतुब शाही वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, कुतुबद्दीन शाह, फतेह उल्ला, कुली कुतुब शाह या इन्हों कोई नहीं। तो जो अपने को राइट आंसर आऊगा वह आऊगा ऑप्शन नंबर 3 कुली कुतुब शाह, यह जो कुतुब शाही वंश का संस्थापक। प्रश्न नंबर 50 सरकी वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, मलिक शाह, मलिक सरवर, इब्राहिम शाह या मुल्तान महमूद। तो इन्होंने जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 2 मलिक सरवर सीगा जोड़ा सरकी वंश का संस्थापक सीगा। प्रश्न नंबर 51 कुशाण वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, कुजल कड फिशेस, कनिष्क, हर्षवर्धन या राजराम। तो इन्हों जो राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 1 कुजल कड फिशेस, ये जोड़ा कुशाण वंश का संस्थापक। प्रश्न नंबर 52 सातवाहन वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, सांतकणी, शिमुक, गौतमी पुत्र सांतकणी या वासिप पुत्र। तो ये जो अपने को राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 2 शिमुक जोड़ा सातवाहन वंश का संस्थापक सगा जी। प्रश्न नंबर 53 शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, नागदस्क, शिशुनाग, नंदीवर्मन या कालाशोक। तो ये जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 2 शिशुनाग। प्रश्न नंबर 54 नंद वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं जी, घनानंद, चंद्रगुप्त, उदायन, महापद्मनंद। तो ये जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 4 महापद्मनंद। प्रश्न नंबर 55 कणव वंश का संस्थापक कौन सी? तो ये अपने को चार ऑप्शन आ जाते हैं, वासुदेव, सुशर्मा, शिमुक या इन्हों कोई नहीं। तो जोड़ा राइट आंसर आऊगा जी वह आऊगा ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव सीगा जोड़ा कणव वंश का संस्थापक। यह सीगा जी अज का अपना टॉपिक भारत के वंश से जेडे एस के 55 MCQ। उम्मीद करता थानू वीडियो वधिया लगी होनी है, जेकर वीडियो वधिया लगी तो वीडियो में लाइक कर दो, तो वीडियो में वध तो वध शेयर जरूर कर दिया करो, ता जो हरेक स्टूडेंट तक जी वीडियो की पहुँच हो सके जी। जेकर तुहाडा कोई सुझाव है तो तुसीं अपना जो सुझाव वह कमेंट बॉक्स के कमेंट कर सकते हो जी। इदां दी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए तुसीं चैनल सबसक्राइब करो।